जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत नजीर। और जब भी मेरी राह में कोई रुकावट आती है, जब भी मेरी राह में कोई पत्थर से मैं ठोकर खाता हूं, मैं लोगों को जरूर बताता हूं। उससे मुझे फायदा यह होता है कि मेरी नस्लें महफूज हो जाती हैं और आपकी दुआएं मिल जाती हैं। लेट सपोज तकाफुल के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद तकाफुल वाले तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, मगर ऐनक वाला जिन हो गया, उसने तकाफुल की जब वीडियो बनाई, फिर लोगों ने हमारी वीडियो देखी। इस तरह से मिलके जब लोगों को गाइडेंस मिल जाती है तो उनकी दुआएं भी मिलती हैं और हमारी राह में आने वाली रुकावटें कम से कम होती चली जाती हैं। तो जब जब हम कहीं पे चीट होते हैं, जब जब हम कहीं से ठोकर खाते हैं, तो इस पत्थर को आपको दिखा दिया जाता है कि भाई ये गढ़ा है और आपने उस गढ़े में नहीं गिरना। ऐसा ही एक गढ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जैज बिजनेस अकाउंट के बारे में है, और मैंने उसके बारे में पहले एविडेंसेस मैं बताऊं। सबसे पहले जो मेरा काम होता है, मैं सबसे पहले एविडेंसेस इकट्ठी करता हूं, और जब तक मेरे पास एविडेंसेस नहीं होती तो मैं कभी भी किसी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाता जो मैं साबित ना कर सकूं। इसीलिए आप भी, क्योंकि कई बार मेरी वीडियोस कुछ मेरे स्टूडेंट्स कुछ लोग देखते हैं और वो कभी कभी विदाउट एनी एविडेंस सामने वाले पे चढ़ दौड़ते हैं जिसका वो नुकसान उठाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा जिंदगी में कि आपने एविडेंसेस पहले इकट्ठी करनी है। तो अब एविडेंसेस जमा हो गई थी और फिर हमने सोचा कि हम जैज बिजनेस अकाउंट के बारे में आपको बताएं कि एक गढ़ा इन्होंने बनाया है और जहां पे रिश्वत अलग करप्शन अलग चले जा रही है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर जब निकाला जाएगा सेकंड एपिसोड में तो पता चलेगा कि कोई बैरूनी इन्वेस्टर बैठा हुआ होगा बेचारा इन्वेस्ट करके, और यहां पर उसने एक सीईओ मिस्टर आमिर इब्राहिम पर तवक्कल कर लिया होगा कि शायद यही मेरी कश्ती को पार लगाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर आमिर इब्राहिम, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी जिसपे आप मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर एक कंफर्ट जोन देने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि भाई कभी भी काम करो, सुबह करो, शाम में करो, रात में करो, दिन में करो, मगर काम करो। अच्छा, उसमें हुआ क्या, पहला प्रॉब्लम जो हमने फेस किया, जो हमने कोई 5 सिमें ली और जिसके अंदर हमें शुरू से ही चीट इस बात पर किया गया और कि भाई उन्होंने 5,000 रुपीज लिए, 5 सिमों के पैसे चार्ज किए। जब हमने उनसे रसीद मांगी तो उन्होंने कहा इसकी रसीद आपको नहीं मिल सकती, ये अमाउंट आप हमें कैश देंगे और इसकी कोई रसीद आपको नहीं मिल सकेगी। बाद में जाकर जब चीजें बिगड़ना शुरू हुई तो उन साहब ने मुझे बताया कि, यानी ये कंपनी को उन साहब ने, मिस्टर फवाद रियाज ने ये बताया, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। तो इसीलिए काइंडली जिस दिन हमारी कौम इस बात को अंडरस्टैंड कर गई कि भूल जाएं उस मौलवी को जो कहता है माफी मिल जाएगी, सिर्फ इस बात को याद कर लें कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है, अल्लाह पाक ने बता दिया 3 चीजों की, हमें बता दूं 3 चीजों की अल्लाह पाक माफी नहीं देगा, ताकि कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहा करे। नंबर 1, शिर्क की माफी नहीं है, शिर्क करने वाले की माफी नहीं है, यह बात तो सबसे अहम तरीन है। दूसरा, जादू करने या करवाने वाले की माफी नहीं है। तीसरा, हसद करने वाले की माफी अल्लाह पाक ने रखी ही नहीं है। कोई मौलवी कितना कहता रहे कि इन 3 चीजों की माफी मिल जाएगी, 3 चीजों की माफी नहीं मिलेगी। वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक सर ये चल रहा था कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। तो हमने 5 सिमें ली, 5 सिमों की जब हमने रसीद मांगी तो उसने कहा नहीं जी, 5 सिमों की रसीद नहीं मिलती है, मैं आपको रसीद बाद में ला दूंगा, तब ला दूंगा, और आपकी अमाउंट चला गया है। आज अगले ने हमें बताया कि नहीं जी, 2 महीने बाद जब चीजें बिगड़ना शुरू हुई कि आपकी 2 सिमों के पैसे मैंने कंपनी को दिए थे, 3 के मैंने आपको वापस कर दिए थे। अच्छा, अब ये कौम रिलीजियस किताबों पर हाथ रखने से भी आगे जा चुकी है। तो हम अगले को सिंपल आज की तारीख में ही कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी औलाद है ना, उसके हाथ सर पे हाथ रख के बता दो, तब जाके ये कौम, यानी आप सोचें कि हमारे ईमान का लेवल क्या हो चुका है कि हम अपनी औलाद के सर पे हाथ रख के तो सच बोल सकते हैं, बट अल्लाह की किताब पर हाथ रखकर आज की तारीख में हम झूठ बोल देते हैं। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बर्बादी की वजह क्या है। खैर जी, वापस आते हैं मिस्टर आमिर इब्राहिम साहब की तरफ, जिन्होंने कुछ वीडियोस के अंदर ये बताया कि मैं कंफर्ट जोन दे रहा होता हूं। तो अब जब कॉल करो, जो हमें रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बना के दिया था कि भाई ये साहब हैं, ये आपके प्रॉब्लम हल करेंगे, अब उन्हें, क्योंकि मिस्टर आमिर कहते हैं अपनी एक फेल स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो की इस मुल्क में कि जी आप काम जब दिल में आए करें, आप रात में करें, आप दिन में करें। अच्छा, कस्टमर नहीं जाग रहा ना, कस्टमर ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर भी अवेलेबल हो जाए, कस्टमर भी आपके स्टाइल में, जो आप गूगल का
स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर सर ऐसा नहीं कर पाएगा कि आप रात के 3 बजे ईमेल करें, कस्टमर 4 बजे उसका रिप्लाई करे, फिर 5 बजे उठा के कॉल कर दे। तो मैंने उठा के मुझे बताया उन्होंने कि नहीं सर आप मुझे कॉन्टैक्ट किया करें, तो मैंने सैरी से पहले कॉल कर दी। अब कॉल की है तो उन्होंने कहा सर ये देखें आप टाइम क्या हो रहा है। मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है ये लड़का, मैंने बहुत उसको सॉरी 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 लिखकर मैंने उसको नेक्स्ट हफ्ते की कोई रात थी तो उसने कहा मंडे मॉर्निंग आप कॉल करें। अब हमने मंडे को कॉल की, कहने लगा सर मैं देखता हूँ, करते करते 5 बज गए, ऑफिस टाइम खत्म हो गया। कहने लगा मैं ऑफिस टाइम के बाद काम करूंगा। मैंने कहा भाई ये क्या गेम चल रहा है, ये किस गेम में मिस्टर आमिर आपने इन लोगों को डाल दिया कि काम ये टाइम पे करेंगे नहीं, रात में करेंगे नहीं, दिन में ये करेंगे नहीं। तो भाई कस्टमर इनकी शक्ल देखता रहे, कस्टमर इनके पीछे पीछे घूमता रहे कि भाई आप किस वक्त काम करेंगे। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मिस्टर आमिर इब्राहिम दिस इज द फेल्ड स्ट्रेटजी विच यू हैव अडॉप्टेड फॉर पाकिस्तानीज, दिस विल नॉट वर्क। ये किसी भी तरह से वर्केबल नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉइज को ये बोलेंगे जी जिस वक्त काम करो, ये वीडियोज आपकी मौजूद है, ये वीडियो मौजूद है, जब आप मुझे बताएं मैं उसको लिंक दे दूंगा जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं एम्प्लॉइज से कहता हूं जिस वक्त काम करो, पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ था और वो बता रहे थे कि नहीं जी जब दिल करे काम करो, घर से करो, यहां से करो, वहां से करो, बट काम करो। बट सर ये जो ऑफिस टाइमिंग बनाए जाते हैं ना दुनिया में, इसकी बड़ी वजह होती है हमारी जैसी कौम है, पाकिस्तान जैसी कौम है जहां पर लोगों को टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उन्हें पहली इंपॉर्टेंस देने के लिए सुबह 9 बजे बुलाया जाता है, उनका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, 5 बजे जाने के बाद उनका इंप्रेशन लिया जाता है, वरना वो दोस्त उनकी अटेंडेंस लगा के निकल जाता था। तो ये कॉमिक काम के लिए नहीं बनी है। अगेन यू आर ऑल्सो सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन कभी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं समझ सकता सर, फ्रेंकली स्पीकिंग कभी भी एक बिजनेस मैन की प्रॉब्लम एक सैलरीड आदमी ना समझ सकता है ना उनको सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा ही हमारे केस में हुआ कि एक तरफ तो हमें 5,000 में से 3,000 की स्ट्रेट अवे चीटिंग का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ उसका झूठ, तीसरी तरफ आपकी ये कहानियां कि भाई मैं इस वक्त उस वक्त सर कंप्लीटली मतलब मैं किसी को भी जैस बिजनेस अकाउंट को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जैसे सेटिस्फाई हैं आप प्रीपेड अकाउंट रखें, आप जैसे सेटिस्फाई हैं आप उसका पोस्ट पेड अकाउंट रखें, जैस बिजनेस अकाउंट विल बी अ हेल, एक ऐसा ड्रोना ख्वाब बन जाएगा आपके लिए जैस बिजनेस अकाउंट कि आप रात दिन सोते जागते सोचेंगे कि यार मुझसे गलती क्या हो गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बिजनेस केयर टीम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सीईओ, टू द रिप्रेजेंटेटिव, उन पे डालनी पड़ेगी। टावर्स बेहतरीन टावर्स हैं जैस के, बेहतरीन टावर्स है, बेहतरीन नेटवर्क है, बेहतरीन सर्विस है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस केयर सर डिजास्टर है। आपने ये डिजास्टर हमारे गले में दिया तो हमने ये वीडियो बनाई और उसके बाद भी उन्होंने कहा अच्छा जी आप अपना बंद करना चाहते हैं, मुझे एक ईमेल आ गई कि भाई आप 3 अमाउंट्स पे कर दें, 3 नंबर आप बंद करवाना चाह रहे हैं, 471 और 900 समथिंग का अमाउंट था जो मैंने पे कर दिया, 1914 बना। तो मैंने उसको IBFT किया, IBFT कहते हैं इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन किया गया मीजान बैंक के अकाउंट से, तो वो बिल्कुल रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हो रही होती है, रियल टाइम में आपको पैसे मिल गए जिस टाइम पे, लेट सपोज सेकंड्स के अंदर आपको पेमेंट मिल रही है तो आपकी पेमेंट क्लियर हो गई, नेक्स्ट डे 6 घंटे 7 घंटे या नेक्स्ट डे फिर एक और ईमेल आ जाती है कि नहीं जी वो अमाउंट अब बढ़कर 471 से 485 हो गया। अच्छा नो प्रॉब्लम, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, करप्शन अपनी जगह और दूसरी जानब ये काम चोर टाइप के लोग अपनी जगह। अगेन आई हैव पेड द डिफरेंस, मैंने फिर कैलकुलेट किया कि भाई कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 42 रुपीज का डिफरेंस बना। मैंने कहा फिर पे कर दो। इस पर हमें रिप्रेजेंटेटिव कहने लगा नहीं यार आपको पे नहीं करना चाहिए था। वो पे करने के बाद तीसरी ईमेल चली आई 6 घंटे बाद कि भाई अब आप दोबारा से एक और अमाउंट एडिशनल, क्योंकि जी घंटे एंड पे इतना ही कहूंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, बट हां प्रीपेड अकाउंट यूज करें, पोस्टपेड अकाउंट यूज करें, बिजनेस अकाउंट यूं करके हाथ जोड़ लें, आप फायदे में रहेंगे। अगर आप में से किसी को भी ये ख्याल आता है कि बिजनेस अकाउंट लिया जाए इनका, यकीन जाने ये मेरे हाथ हैं, इनको देख लीजिए, अदरवाइज जैस प्रीपेड जैस पोस्टपेड इज बेस्ट, बिजनेस अकाउंट इज द वर्स्ट अकाउंट विच यू एवर हैड। ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आमिर इब्राहिम आपका, आपकी वंडरफुल सर्विस का मैं नहीं भूल पाऊंगा, यूट्यूब नहीं भूल पाएगा, ये लोग नहीं भूल पाएंगे, विद एविडेंस तमाम चीजें मौजूद हैं। फिर ये वीडियो बनाई गई है, 1 पेमेंट 2 पेमेंट 3 पेमेंट, भाई कितनी पेमेंट्स करूं अकाउंट बंद करने के लिए,
मैं 4, 5, 6, 7 हर पेमेंट करने को तैयार हूं, बट लोगों को मैं गड्ढे में गिरने से जरूर बचाता हूं, और वो मैंने अपना रोल प्ले किया है। आप भी कोशिश करें कि जहां पे आपको कोई ऑब्स्टेकल दिखाई दिए उसको या तो आप साइड पे करेंगे या उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यही हम कर रहे होते हैं। ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।